हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फुल मून के बारे में बात करेंगे। फुल मून इम्पोर्टेंट क्यों होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए या कोई भी चीज़ आपको रिचुअल करना हो, फुल मून क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हुआ है, माय नेम इज़ प्रियंका, आई एम टैरो कार्ड रीडर, आई एम रेकी हीलर एंड आई एम एंजल थेरेपिस्ट। फुल मून बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। फुल मून के टाइम पे जो आपकी ओरिजिनलिटी पर्सनालिटी है, जो आपने सप्रेस कर रखी है, वो सरफेस पे आ जाती है। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, तो फुल मून के टाइम पे उनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अगर उनमें गुस्से का नेचर है, एग्रेसिव है, तो वो सरफेस पे आ जाता है। फुल मून में वो इनक्रीज हो जाता है। किसी में कोई सप्रेस इमोशंस है, वो सरफेस पे आ जाते हैं। किसी में कोई हेल्थ इशू है, तो वो सरफेस पे आ जाते हैं। फुल मून का मतलब ये है, जो भी आपने चीज़ें अपने अंदर दबा रखी हैं, छुपा रखी हैं, सप्रेस कर रखी हैं, वो सरफेस पे आएंगी। उसे आपको क्लीन करना है। जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे, तब तक वो आती ही रहेंगी। अब हर एक फुल मून पे ऐसा कुछ होता ही होगा आपके साथ। आप नोटिस करना, ज़रूरी नहीं है फुल मून के डे पे ही हो, फुल मून के दो दिन पहले या फुल मून के दो दिन बाद भी फुल मून की एनर्जी रहती है। उस दौरान भी आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ें सरफेस पे बाहर आएगी। आप लोगों आप सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा बिहेव करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अब वो पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो फुल मून पे और ज़्यादा हो जाते हो। पर फिर आपके माइंड में थॉट आता हो कि नहीं, लोग बोलेंगे कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, वी नीड टू लिव मटीरियलिस्टिक लाइफ एंड ऐसी सारी चीज़ें। तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, अगर आपको जाननी है ना कि एक्चुअली में आप क्या हो, फुल मून के दो दिन पहले, दो दिन बाद और फुल मून पे अपने आप को ऑब्जर्व करो। अब अगर आपकी सरफेस पे कोई बात आ रही है, उसको हम रिमूव कैसे करें, इसको ही हम कर्मा क्लियर बोलते हैं। नेचुरली यूनिवर्स अर्थ हमारी बहुत हेल्प करता है हमें हमारा कर्मा क्लियर करने में, पर हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। सपोज़ अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हो, आपको पता चलता है अपनी वीक पॉइंट्स आपको पता चल रही हैं कि फुल मून पे वो चीज़ सरफेस पे आई है, आपके शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से आपका काम खराब हो गया, किसी के साथ फ्रेंडशिप टूट गई, कोई बनी बनाई डील खराब हो गई, टीचर को कुछ बोल के आ गए, बहुत पुराने दोस्त को कुछ बोल के आ गए, या कोई चीज़ बनी हुई थी और बिगड़ गई, तो अब शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से ऐसा कुछ भी हुआ सपोज आपकी लाइफ में, तो आप 21 डेज इस चीज़ पे काम करें, अपने शॉर्ट टेम्पर्ड का जो नेचर है उस पे काम करें, उस हैबिट को छोड़ने की ट्राई करें। एक बार में एक ही हैबिट लें, फिर नेक्स्ट फुल मून पे ऑब्जर्व करें कि आपके नेचर में चेंजेस आए या नहीं। अब आपको कैसे करना है, सपोज कोई भी बात है, ठीक है, आपको बार बार याद आ रही है कि किसी ने 5-6 साल पहले आपको कुछ बोल दिया, तो आपको वो याद आ जाती है फुल मून पे, या बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, वही बातें दिमाग में चलती जा रही हैं। आपको पेपर लेना है, उस पर वो सारी बातें लिख देनी है, माइंड से पेपर में आ जानी चाहिए बात, वो अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसी को ही एनर्जी ब्लॉकेज बोलते हैं। इसी की वजह से आपको डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, माइग्रेन, रूट चक्रा ब्लॉक, इनफर्टिलिटी, पैसों की प्रॉब्लम, ये एनर्जी जो है ना नेगेटिव आपने अपने अंदर भर रखी है, उसके स्टोर होने की वजह से ही होती है आपको आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम। बच्चे भी होते हैं ना, फोकस नहीं लगता पढ़ाई में, तो कुछ सोच ही रहे होते हैं, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, कोई मेरे क्लास में मेरे ऊपर हंस गया, मेरे पेरेंट ने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, तो वो सारी चीज़ें स्टोर कर देते हैं अपने अंदर। तो ऑलरेडी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है स्टोर हैं, तो फिर जो एक्चुअली में चीज़ें ज़रूरी हैं वो स्टोर कैसे होंगी, समझिए इस बात को, इस पॉइंट को। जो भी अंदर है लिख लीजिए, उसे फाड़ के फेंक दीजिए या कैंडल में जला के फेंक दीजिए। बस यही आपको इंटेंशन रखना है कि जो भी आपके अंदर है वो पेज पे आया है। और ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि आप जब ऐसे करेंगे आपका स्ट्रेस बहुत रिलीफ होगा,
ये कुछ अंधविश्वास या अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। आप खुद ही एक बार करके देखें, आपको खुद ही चेंजेस लगेंगे। तो फुल मून का यूज करें, अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है वो भी करें, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस जानने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।